कल हम लोग जो पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि साइंस क्या होता है, यानी हम आपको बताए थे साइंस सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी थिंग्स, यानी किसी चीज के क्रमबद्ध एवं विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो उसमें बताया गया था कि नो एन नॉलेज ऑफ एनी थिंग, फिर नो क्या मतलब नॉलेज क्या होता है, यानी सर्चिंग ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड नॉलेज बताया गया था, यानी जो वास्तविकता का जब हम खोज कर लेते हैं तो वो हमारा साइंस है, जबकि सर्चिंग ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड साइंस, बट जब हम सर्चिंग ऑफ फीलिंग करते हैं, जब हम फीलिंग किसी चीज़ को महसूस करते हैं, वास्तविकता का महसूस सर्चिंग कर लेते हैं तो वो हमें ज्ञान कहलाता है। यानी किसी चीज़ को हम सर्च कर लेते हैं, फीलिंग अनुभव को खोज कर लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान, यानी कि वो ज्ञान कहलाता। जैसे कि हम जाने कि गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था तो वो ज्ञान था, इसके बारे में हम कल बताए थे। फिर बताए थे कि साइंस को रियल साइंस किसे कहते हैं और रियल साइंस के कितने टाइप्स होते हैं, यानी साइंस के दो टाइप्स होते हैं, एक साइंस का नाम होता है रियल साइंस, दूसरे साइंस का नाम होता है सूडो साइंस। यानी रियल साइंस किसे कहते हैं, वास्तविक विज्ञान, मानी जो थ्योरी पे आधारित हो, जैसे साइंस विच इज बेसिस ऑन द थ्योरी, डिपेंड ऑन द थ्योरी इज कॉल्ड रियल साइंस। और फिर दूसरा साइंस क्या होता था वो पढ़े थे, जो साइंस पैराडाइम पे आधारित हो, यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी इकोनॉमी, वो से रिलेटेड कल वो बता दिए। फिर हम साइंस के टाइप जो बताने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, उसमें एक पार्ट का नाम है रियल साइंस, फिर दूसरे पार्ट का नाम था यानी सूडो साइंस। और फिर रियल साइंस और सूडो साइंस के बारे में हम जब आगे पढ़े थे तो उसके बारे में ये बात जानना चाहे थे, यानी रियल साइंस का दो पार्ट होता है, एक नेचुरल साइंस दूसरा फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस में फिर नेचुरल साइंस क्या है और फिजिकल साइंस क्या है, हमने नेचुरल साइंस के बारे में तो बता चुके थे, आज के क्लास में हम आप लोग को ये बताने वाले हैं फिजिकल साइंस क्या है और इनके क्लासिफिकेशन क्या है। तो यानी चलते हैं साइंस के कैटेगरी वाइज, रियल साइंस का पार्ट से फिर रियल साइंस यानी वास्तविक विज्ञान क्या है, इनके कितने पार्ट हैं, इन तमाम पार्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब होता है प्रकृति के विज्ञान होता है ना, और दूसरा साइंस का नाम है फिजिकल साइंस। तो आज हम फिजिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे, चूंकि हमने नेचुरल साइंस तो पहले ही पढ़ चुके, नेचुरल साइंस पढ़ा जा चुका है, यानी अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस किसे कहते हैं, इसके कितने ब्रांच होते हैं अब बताते हैं। फिजिकल साइंस के ब्रांच होते हैं तीन, पहले ब्रांच का नाम है फिजिक्स, दूसरे का केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बच्चों फिजिक्स जो हम जो जानते हैं, फिजिक्स कहते किसे, इसके बारे में पढ़े तो बहुत पहले से, फिजिक्स क्या होता, फिजिक्स होता क्या है अब ये जानते हैं, फिजिक्स क्या होता है, यानी फिजिक्स वह साइंस का ब्रांच है। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम अध्ययन करेंगे, इन विच वी स्टडी अबाउट यानी अध्ययन करते हैं नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना, नेचुरल फेनोमिना यानी प्रकृति के एवं प्रकृति के घटनाओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को फिजिक्स कहते हैं। जहां हम नेचर यानी प्राकृतिक और नेचुरल फेनोमिना, प्रकृति की जितनी सारी घटना होता है उसका आप स्टडी करते हो उसे फिजिक्स कहते हो। फिर कुछ बच्चों के दिमाग में आते हैं कि सर फिजिक्स जो होता है नेचर क्या है, नेचर जो कुछ होता है उसमें हमारा दो चीज कंसीडर किया जाता है, नेचर में एक चीज आ जाता है मैटर, हमारे नेचर में दो चीज कंसीडर की जाते हैं बच्चों,
एक चीज होता है जो नेचर में हम कंसीडर करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, नेचर में एक चीज जो स्टडी करते हैं वो मैटर के बारे में, किसके बारे में स्टडी करते हैं, मैटर। तो आपको समझ में आते होंगे मैटर क्या है, द्रव क्या है, दुनिया में कितनी द्रव है उनके बारे में स्टडी कर, फिर दूसरे नेचर से एनर्जी के बारे में अध्ययन कर। इसी फंडामेंटल पे बेस्ड पे आधारित हमारा जो फिजिक्स है नेचर और नेचुरल फेनोमिना है। तो नेचर में एक चीज मैटर आते हैं, दूसरी चीज एनर्जी आता है, यानी प्रकृति के बारे में मैटर द्रव है फिर एनर्जी ऊर्जा है। तो आप एक चीज जानते होंगे मैटर जो है, तो फिजिक्स वाले इसी कारण से फिजिक्स को कितने भाग में बांटे, फिजिक्स को फिर जाके दो टाइप्स के, यानी आप जब फादर ऑफ फिजिक्स मानने के लिए जब भी जानेंगे इसमें दो कैटेगरी वाइज होता है, एक होता है एनिशियंट फिजिक्स, दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। यानी मैटर की कैटेगरी वाइज करने के लिए जैसे हम फादर ऑफ फिजिक्स की चर्चा करेंगे, आप फादर ऑफ फिजिक्स की चर्चा करेंगे तो इससे पहले आपको ये जानना होगा, तो पहले आप फादर ऑफ फिजिक्स जानने से पहले थोड़ा सा मैटर की चर्चा कर लेते हैं कि मैटर होता क्या। तो वो बात पहले से अता पता है कि मैटर क्या होता है, द्रव होता क्या है, यानी इन नेचर के स्टडी के आधार पे, हमारा जो नेचर है इसके स्टडी के आधार पर एक चीज मैटर दूसरी एनर्जी है। तो आप पहले जब मैटर को मानते हो, किसको मानते हो, मैटर को, तो मैटर क्या होता है जो ऑक्यूपाई स्पेस करे, ऑक्यूपाई स्पेस यानी जो जगह छे, जगह छे वो मैटर है कि नहीं, जो जगह छेक लिया तो हमारा मैटर है। फिर आप ऐसे भी कहते हो विजिबल है, जो दिखाई देता वो भी मैटर हो सकता, फिजिबल होता वो हमारा मैटर है, जो दिखाई दे यानी वो भी मैटर के नाम से जाना जाता है। फिर जिसमें वेट हो, जिसको हम फीलिंग करते हैं वह भी मैटर है, वेट यानी भार हो ये भी मैटर है, यानी वो वाला डिफाइन भी ऐसे आप जानते हैं दैट ऑक्यूपाई स्पेस विच इज मास फीलिंग आवर फाइव ऑर्गेनिज्म, जो अपने पांचों बॉडी को टच करते हैं उससे हमारा फीलिंग हो जाए, ये हमारा मैटर। एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी वो है कि नॉट ऑक्यूपाई स्पेस करे, जो एनर्जी की कैटेगरी वाइज करते हैं उसमें हम कहते हैं नो ऑक्यूपाई स्पेस, यानी नो ऑक्यूपाई स्पेस करता है, यानी ये बाबू जगह छेकेंगे क्या, नहीं छेकेगा, तो ऑक्यूपाई स्पेस नहीं कर रहा। दूसरी बात, ये विजिबल एनर्जी नहीं होता, नो विजिबल होता आप ऐसे देख नहीं सकते हो, नो विजिबल है, नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई देते, देते क्या, नहीं देते। तीसरी बात, एनर्जी में कोई वेट नहीं होता। तो ये हमारा क्या है, नेचर है, ये हमारा क्या बाबू, नेचर के बारे में जो मैटर ऑक्यूपाई स्पेस है, विजिबल है, वेट है, तो ये मैटर है। तो फिजिक्स में जहाँ हम स्टडी करते हैं उनमें इन्हीं बारों की नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, फिर इनकी फेनोमेना क्या, इस आधार पर जब भी हम फादर ऑफ फिजिक्स मानने के लिए चाहेंगे कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो फादर ऑफ फिजिक्स दो व्यक्ति को मानेगा, एक 1600 ईस्वी से पहले का, एक 1600 ईस्वी के बाद का, यानी फिजिक्स के दो पार, यानी फिजिक्स को दो कैटेगरी वाइज किया गया, पहले फादर ऑफ फिजिक्स के आधार पे, फादर ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स के पिता, इनमें दो व्यक्ति को कैटेगरी वाइज किया गया, एक हमारा सर आइज़क न्यूटन है जिसको न्यूटन साहब के नाम से जानते हैं, न्यूटन साहब, तो दूसरे को क्या कहा जाता, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन है जो फादर ऑफ फिजिक्स है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है जिसको हम फिजिक्स के पिता के नाम से अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, आइंस्टाइन है, टी ए आई एन टी आई एन टी ई आई अल्बर्ट ई एन ई आई एन एस टी ई आई एन अल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन भी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। फिर न्यूटन कब, अल्बर्ट आइंस्टाइन कब, ये बारे में हम कैटेगरी वाइज करेंगे। तो फिजिक्स को एक एनिशियंट फिजिक्स के अंतर्गत रखा गया, यानी आप क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स भी कह सकते हो, क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स,
तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स का कैटेगरी वाइज करते हो तो दो भाग में होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। बच्चों यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के बारे में। उनका क्लासिफिकेशन क्या होगा? तो फिजिक्स के क्लासिफिकेशन दो होते हैं। कौन कौन? एक हमारा होता है एनिशियंट फिजिक्स, दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। फिर हम एनिशियंट फिजिक्स किसे कहते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एनिशियंट फिजिक्स किसको कहते हैं। एनिशियंट फिजिक्स फिजिक्स यानी जिसको हम कहते हैं चिरस्मरण सत्य भौतिक, यानी एनिशियंट का मतलब होता है जो चिरस्मरण सत्य भौतिक की हो उसे एनिशियंट फिजिक्स कहते हैं। चिर स्मरणीय सत्य भौतिक, स्मरणीय सत्य भौतिक जो हमारे एनिशियंट यानी पुराने पद्धति के आधार पर आधारित है वो भौतिकी हमारा एनिशियंट फिजिक्स कहलाता है, यानी चिर स्मरण सत्य भौतिकी है। दूसरा का नाम होता है मॉडर्न फिजिक्स। दूसरे का नाम क्या होता है? मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो एनिशियंट यानी चिर स्मरण सत्य भौतिकी, दूसरा होता है हमारा आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। ये देख रहे हैं हम भौतिकी के दो कैटेगरी वाइज क्या क्या है, एक चिर स्मरण सत्य भौतिकी, दूसरी है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो बच्चों जो ये एनिशियंट फिजिक्स है चिर स्मरण सत्य भौतिकी है, ये क्या है? एनिशियंट फिजिक्स यानी जो 1900 ईस्वी से पहले का फिजिक्स है उनको, बिफोर जो फिजिक्स को 1900 ईस्वी से पहले हम स्टडी करते थे उन्हें एनिशियंट फिजिक्स कहते थे। एनिशियंट फिजिक्स कौन सा फिजिक्स है? जिस फिजिक्स को हम 1900 ईस्वी से पहले स्टडी करते थे, उन तमाम फिजिक्स को हम एनिशियंट फिजिक्स कहते कहते हैं कि नहीं? द फिजिक्स विच स्टडी बिफोर द 90th century वो हमारा एनिशियंट फिजिक्स होगा, यानी द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट जिसमें हम अध्ययन करते हैं, अबाउट बिफोर 1900 यानी 19th century इज नोन एज एनिशियंट फिजिक्स, नोन एज एनिशियंट फिजिक्स। आप इसे कौन सा फिजिक्स कहोगे? एनिशियंट फिजिक्स, यानी जिसमें हम कब स्टडी करते थे? 19वीं शताब्दी से पहले, 1900 ईस्वी से पहले का फिजिक्स का जो स्टडी हमारा क्या जाता था वो कौन सा फिजिक्स होता था? एनिशियंट फिजिक्स होता था कि नहीं? चिर स्मरण आइए सत्य भौतिकी जो 19वीं शताब्दी इन फिजिक्स के पिता, यानी एनिशियंट फिजिक्स जो हमारे फिजिक्स है इनके पिता माने जाते हैं सर आइजैक न्यूटन या न्यूटन को कही, यानी फादर ऑफ एनिशियंट फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन, क्या कहते हैं? सर आइजैक न्यूटन यानी ये हमारे जो फिजिक्स के पिता है एनिशियंट फिजिक्स के पिता है। 19वीं शताब्दी से पहले सर आइजैक न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स माने, फिर 19वीं शताब्दी के बाद वाले फिजिक्स जो बना वो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आया। तो मॉडर्न फिजिक्स के पिता किसको माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को, 19वीं शताब्दी के बाद बने। तो अब ये देखने वाले हैं हम लोग कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है, यानी कि एनिशियंट फिजिक्स के पिता तो उनको माने जाते हैं, फिर दूसरा कैटेगरी वाइज होगा मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं। या पहले आप एनिशियंट फिजिक्स के कितने टाइप हैं इनको पढ़ लें, तो दोनों में से कहीं पढ़ लीजिए। पहले एनिशियंट फिजिक्स के कितने टाइप हैं यही देख लेते हैं, कोई तकलीफ है तो पढ़ते हैं। सबसे पहले एनिशियंट फिजिक्स,
एंशिएंट फिजिक्स, यानी एंशिएंट फिजिक्स जो है इनके कैटेगरी वाइज में एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते थे। तो इसमें जो हम पढ़ते थे इसका ये डिटेल्स मान सकते हैं हम एंशिएंट फिजिक्स में जो पढ़ते थे, जो पहली पार्ट पर आ जाता था मैकेनिक्स को पढ़ते थे, वो भी मैकेनिक्स को फिर दो भागों में क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। तो एंशिएंट फिजिक्स का पहला पार्ट होता मैकेनिक्स, मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, ये हमारा फिजिक्स हुआ एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत आता यांत्रिकी। तो कहोगे सर यांत्रिकी क्या मैकेनिक्स क्या, तो स्टडी हम आगे करेंगे, पहले थोड़ा बता दें कि मैकेनिक्स है क्या। मैकेनिक्स वो है स्टडी अबाउट मोशन, लॉ ऑफ मोशन, काउस के कारण फोर्स अप्लाइड हो रहा है या इसके बिना कारण का फोर्स अप्लाई हो रहा, इन तमाम चीज़ों की स्टडी करते हैं उसे मैकेनिक्स कहते हैं। फिर मैकेनिक्स के बाद दूसरा पार्ट होता है कौन सा, मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट जो होता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी। फिर दूसरा पार्ट में हम जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थित विद्युतिकी, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एंड डिफरेंट फिनोमिना, जहाँ आवेश और इनके विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी हम एंशिएंट फिजिक्स में पढ़ेंगे एक मैकेनिक्स पार्ट होता है, दूसरा पार्ट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक पढ़ते हैं ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी होता है जिसमें हम पढ़ते हैं स्टडी अबाउट लाइट्स एंड इट्स डिफरेंट फिनोमिना, प्रकाश के गुणों के बारे में और इसके ढेर सारे घटनाओं के बारे में, एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत आता। एक और एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत आता है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स ये हमारे किसके अंतर्गत है, उष्मा गति की ये भी हमारे किसके अंतर्गत आता है, एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत। यानी हम जो फिजिक्स को पढ़े थे तो फिजिक्स के दो पार्ट पढ़े, एक एंशिएंट फिजिक्स दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स किसको कहते हैं, चिरस्मरण है सत्यभौत की था, इन्हीं के पिता, जो 19वीं शताब्दी से पहले का फिजिक्स हम पढ़ते थे वो था हमारा एंशिएंट फिजिक्स, इन्हें फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। और एंशिएंट फिजिक्स के कितने ब्रांच होंगे, चार, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स। इसी के अंतर्गत एक SHM होता है, लॉज ऑफ साउंड के बारे में जो पढ़ते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है एंशिएंट फिजिक्स के अंतर्गत। फिर हम एंशिएंट फिजिक्स के पिता सर आइजैक न्यूटन को मानेंगे, लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा हम देख लें कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है, मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है, आधुनिक भौतिकी दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिक्स का वह ब्रांच, यानी द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट आफ्टर, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं 19वीं शताब्दी के बाद, आफ्टर 19वीं शताब्दी के बाद का अध्ययन करते हैं उसी को आप कहते हो कौन सा फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, नॉन एज मॉडर्न फिजिक्स, उसी को आप कौन सा फिजिक्स के नाम से जानते हो, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हो, मॉडर्न फिजिक्स। क्योंकि हम जानते हैं जो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन, उनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे मॉडर्न फिजिक्स के पिता, आइंस्टाइन, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ, इन्हें डेट ऑफ बर्थ है 1905 अल्बर्ट आइंस्टीन। ये जब जन्म लिए इसके बाद एक नए फिजिक्स का खोज हुआ, नई फिजिक्स की दुनिया बनी जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ
मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन ठीक है ना, अल्बर्ट ALBERTINSTITIN है, TIN कहीं कहीं TIN ही लिखा तो ना ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम है तो जैसे लिखोगे चलेगा। तो मॉडर्न फिजिक्स वाले बनाए, जो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं 19वीं शताब्दी के बाद यानी 1905 में जन्म लियो, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो यानी फिजिक्स के दो कैटेगरी वाइज हुआ, एक हुआ एनिशियंट फिजिक्स, दूसरा हुआ मॉडर्न फिजिक्स। फिर मॉडर्न फिजिक्स में किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसमें दो चीज़ का अध्ययन करते हैं, एक होता है मॉडर्न फिजिक्स में जो अध्ययन करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी अब थोड़ा सा जान ले मॉडर्न फिजिक्स के क्या ब्रांच के अंतर्गत रखा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स यानी इसका ब्रांच, इसमें जो आप स्टडी करते कैटेगरी वाइज, एक मॉडर्न फिजिक्स का ब्रांचेज में हो जाता है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स, NECULAR न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसको नाभिकीय भौतिकी कहते हो। क्या कहते हो बाबू? नाभिकीय भौतिकी। कहोगे सर नाभिकीय भौतिकी क्या होता है? भौतिकी जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन के संबंधी बारे में अध्ययन करते हैं, ये सब हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है। जिसमें ओटोमन रिएक्शन पढ़ते हैं, ओटोमन वेयर के बारे में बनाने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए, ये सब पढ़ते हैं, हमारे जितने सारे रिएक्शन होते हैं ये न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत आता है। फिर एक दूसरे जो फिजिक्स का ब्रांच होता है, इस न्यूक्लियर फिजिक्स का में दो पार्ट हो जाता है कभी कभी, तो एक न्यूक्लियर पार्ट होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है, दूसरा पार्ट क्या हो जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत, जिसमें कि हम मेडिकल के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पार्ट जो हमारा हो जाता है, सब मेडिकल से रिलेटेड बातें करते हैं, यानी मेडिसिन मेडिकल से संबंधित बात आप देखते होंगे, वो केमिस्ट्री ही है। मेडिकल के बारे में जो करते हैं स्टडी, ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स में आता है, जिसमें हम लोग देखे हैं कि सोडियम 11 या ग्वाइटर रोग के बारे में वो सब का जो अध्ययन करते हैं। ग्वाइटर रोग फूल जाता है तो उसमें सोडियम 31 का यूज़ करते हैं, फिर कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं कैंसर के इलाज में। तो ये मेडिकल के रिलेटेड बात भी हमारे मॉडर्न फिजिक्स में, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स के दो कैटेगरी में मेडिकल के फिजिक्स आ जाता है, मेडिकल का फिजिक्स आ जाता है, उसका दूसरा न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत आता है। फिर जो हम अध्ययन करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद, एक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा डिवाइस, मार्टिन कपूर को जिसके फादर ऑफ माने जाते हैं, मोबाइल फोन स्मार्टफोन का यूज़ जो हम करते आए हैं उसकी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। यानी मॉडर्न फिजिक्स के दो कैटेगरी हो गया, एक हो गया न्यूक्लियर फिजिक्स, इसी के दो पार्ट हो गए, एक हो गया यानी मेडिकल से संबंधित, तो दूसरा हो गया न्यूक्लियर। फिर दूसरा पार्ट जो कैटेगरी वाइज करते हैं वो हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद मल्टीमीडिया, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के जो तमाम घटनाओं का स्टडी करते हो, ये हमारा है मॉडर्न फिजिक्स में। इसमें हम फिजिक्स का तमाम चीज़ समझे कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स से रिलेटेड संबंध के बारे में जाने। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा एक और डिफाइन कि फिजिक्स कहते किसे हैं। लास्टली आप एक देख सकते हैं फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स देख लेते हैं होता क्या है। फिजिक्स जो है द बेसिक डिसिप्लिन ऑफ साइंस है। फिजिक्स इज द बेसिक डिसिप्लिन ऑफ साइंस, बेसिक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन है DICIPLIN, बेसिक डिसिप्लिन ऑफ साइंस। यानी फिजिक्स क्या है, बेसिक डिसिप्लिन है किसका, इन द कैटेगरी बेसिक डिसिप्लिन ऑफ साइंस, साइंस का सबसे बड़ा डिसिप्लिन फिजिक्स में, कैटेगरी ऑफ द नेचुरल साइंस, जिसको हम कैटेगरी वाइज कर सकते हैं कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस, जिसको हम कैटेगरी वाइज कर सकते हैं नेचुरल साइंस के अंतर्गत, तो वो हमारा होगा फिजिक्स का वह बेसिक डिसिप्लिन ऑफ साइंस जो कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस के अंतर्गत आता है। तो द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड फ्यूजन, वर्ड फिजिक्स, फिजिक्स कम्स
फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड फ्यूसिया, जिसमें हम यानी फ्री ग्रीक वर्ड फ्यूसिया से फिजिक्स आया, जिसका अर्थ होता है विच मीनिंग लॉ ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के अध्ययन, लॉ ऑफ नेचर यानी प्रकृति का अध्ययन है, लॉ ऑफ नेचर है वही हमारा फिजिक्स, लॉ ऑफ नेचर। फिर वो जो लॉ ऑफ नेचर के बारे में हम जानेंगे तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता, फिजिक्स के अंतर्गत आता। जो ग्रीक वर्ड आया फ्यूसिया नेचर होता है, उसका संस्कृत इक्विवेलेंट मीनिंग जो होता है लॉ ऑफ नेचर, संस्कृत संस्कृत मीनिंग फिजिक्स इस सब भौतिकी, ये संस्कृत में इसका अर्थ भौतिकी होता है, इसीलिए फिजिक्स वह ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं नेचर और नेचुरल फेनोमेना का। फिजिक्स द मस्ट बेसिक ऑफ ऑल साइंस, सभी विज्ञान के लिए भौतिकी से आया। तो फिजिक्स जो है क्या है, फिजिक्स इज मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल साइंस, बेसिस ऑफ ऑल साइंस यानी सभी विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा बेसिस जो है यह फिजिक्स है। यानी फिजिक्स को हम जाने कि क्या है, तो फिजिक्स पहले सबसे पहले हम ये जान चुके हैं कि फिजिक्स जो होता है इको फ्रेंड ऑफ मैथमेटिक्स होता है, इको फ्रेंड ऑफ मैथमेटिक्स। एक साइड जिस तरह एक ना के नदी के दो किनारे होते, उसी तरह फिजिक्स और मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा संबंध है। बिना फिजिक्स के आप मैथमेटिक्स को नहीं समझ सकते, बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स को नहीं समझ सकते, ये दोनों का एक बेस्ट रिलेशन है। तो सबसे पहले फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत जान ले कि मैकेनिक्स क्या होता है, तब उसमें फिजिकल क्वांटिटी आता है। तो सबसे पहले मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम चाहेंगे फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले कि मैकेनिक्स का पार्ट जानने के लिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले हमको जानना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी होते क्या है, जो कि टॉप मोस्ट यानी आपको किसी भी क्लास से लेकर के हायर स्टडी तक में सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। भौतिक राशि किसे कहते हैं, वैसी राशि जो भौतिक के नियमों की, भौतिक राशि किसे कहते हैं, वैसी राशि जो भौतिक के नियम का पालन करता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ये हमारा फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक होगा, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, यानी वैसी राशि जो भौतिक का नियम का पालन करता, द क्वांटिटी विच वेरीफाई द लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी, इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी यानी वैसी राशि जो भौतिक के नियम का पालन करता है उससे आपको हो गए भौतिक राशि। तो द क्वांटिटी विच वेरीफाइड द लॉज ऑफ फिजिक्स इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब आप कहोगे भौतिक राशि क्या है जो भौतिक के नियम का पालन करता हूँ उसे भौतिक राशि, तो सबसे पहले राशि किसे कहते, थोड़ा इसे भी जान ले, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी मतलब राशि क्या है जिसे हम नंबर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, राशि होती क्या है जिसे हम नंबर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, राशि मतलब वो जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं, दैट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ नंबर, फॉर्म ऑफ नंबर इज नोन एज क्वांटिटी, यानी जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट करते हैं उसे राशि कहते हैं। आप जिसे किसी को संख्या के रूप में व्यक्त कर दे वो राशि कहलाएगा,
फिर वो राशि में से आता सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, वैसी राशि जो भौतिकी के नियम का पालन करता है, वेरीफाइड लॉज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगरीवाइज कितने तरह से, फिजिकल क्वांटिटी को तीन भागों में बांटा गया। मुख्यतः फिजिकल क्वांटिटी के कितने पार्ट है, तीन पार्ट। अब आप देखते हैं ये कौन कौन पार्ट है फिजिकल क्वांटिटी के, इनके बारे में आप देखें फिजिकल क्वांटिटी है क्या। फिजिकल क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसके तीन भाग होते हैं क्लासिफिकेशन किए फिजिकल क्वांटिटी के, तो कितने आए, तीन। एक का नाम होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल नाम से ही जैसे कि पता लग रहा होगा, फंडामेंटल है, नाम से पता चलना ना, फंडामेंटल मतलब मूल राशि। फंडामेंटल क्वांटिटी का ही दूसरा नाम है बेस क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल आधारी राशि या मूल राशि, मूल राशि या फिर आधारी राशि, मूल राशि आधारी राशि। दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद दूसरे क्वांटिटी का क्या नाम है, ड्राइव क्वांटिटी। जो आप पढ़ते हो ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, तो ड्राइव क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो वो क्वांटिटी होता है जो वित्तपन राशि, यानी जो मूल राशि से उत्पन्न करते हैं, वित्तपन कहलाता है, वित्तपन राशि, वित्तपन राशि, ये हमारा ड्राइव क्वांटिटी। बाबू अगर तीसरा क्वांटिटी जो अब एक मॉडर्न फिजिक्स वाले जैसे कुछ यूज करते हैं, वो सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी जिसका हिंदी होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, मतलब पूरक राशि। अब आप कहोगे कि सर फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक ना, ऐसे करेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो फिजिक्स में जो हम फिजिकल क्वांटिटी, तो ये फंडामेंटल ड्राइव और सप्लीमेंट्री, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है देख लेते हैं। फंडामेंटल मतलब मूल राशि होते क्या है, वैसी राशि। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट होता है, यानी स्वतंत्र राशि, किसी पे डिपेंड नहीं करता, जो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट हो। अगर 5 मीटर इनकी लंबाई है, तो अगर 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर या 5 इंची 3 इंची इसकी लंबाई यहाँ इतने हैं, तो आप मंगल ग्रह पे जाए, पृथ्वी से लेकर के 8 प्लैनेट पे कहीं भी जाओगे तो इसकी लंबाई सेम होगा, वैसे क्वांटिटी को हम कहते हैं फंडामेंटल, यानी जिसमें कोई चीज का परिवर्तन नहीं, जो हमेशा कांस्टेंट हो। फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि, द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट, विच इज इंडी, क्वांटिटी में क्यू यू है कि एन है, क्यू यू ए एन टी आई टी वाई, क्वांटिटी क्यू यू ए एन है, देख लो ये क्या है, क्यू यू ए एन टी आई टी वाई, ठीक, क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इंडेंट जो स्वतंत्र हो, इंडी आई एन डी ई पी एन डी एन डी इंडी पेंडेंट, डी इन होता है डी आई होता है, इंडी आई एन डी आई, इंडिपेंडेंट यानी जैसी राशि जो स्वतंत्र हो, यानी नॉट डिपेंड, वैसी राशि द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट यानी नॉट डिपेंड। Not depend in other quantity. In other quantity. Not depend on another quantity. Is known as fundamental quantity. यानी मूल राशि क्या है, द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट, वैसी राशि जो स्वतंत्र हो, जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता हो, उसे आप कौन से क्वांटिटी कहते हो, फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन से क्वांटिटी कहते हो, वो फंडामेंटल, यानी वैसी राशि जो स्वतंत्र हो, जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करता हो,
उसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का ही दूसरा नाम है बेस क्वांटिटी, यानी आप फंडामेंटल क्वांटिटी का दूसरा नाम कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज, फंडामेंटल क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज बेस क्वांटिटी, क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी आल्सो नोन एज बेस क्वांटिटी, मूल राशि। तो मूल राशि ऐसे 1971 के पहले, 61 के पहले जो सिस्टम ऑफ यूनिट बना था उसमें, यानी कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ECS के अंतर्गत ये फाइनली सबसे पहले 1921 में एक सिस्टम बनाया गया था, ओरिजिन सिस्टम बने से पहले तो तीन फंडामेंटल क्वांटिटी थी। लेकिन अब जो नया मॉडर्न 1971 के बाद हमारे फिजिक्स बनाए हैं उसमें टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी 7। तो हम नाम लिख दें कि फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, इसके बारे में अब आपको बता देते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो वो पता चला तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितने, देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल राशि 7 है। अब होगे सर कौन सी है, तो देखते हैं मूल राशि है फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं, 7। कौन कौन लिखते हैं इनके बारे में, ये तमाम फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ये है कौन कौन, इन सातों का नाम हम देखते हैं और इनके स्टडी करेंगे बारी बारी से कि पहले फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन कौन सी क्वांटिटी आता है। फंडामेंटल क्वांटिटी में पहला आता है लेंथ, लंबाई, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर मास, द्रव्यमान, फिर है टाइम, समय, टेम्परेचर, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप होता है, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के बाद एक का नाम है मोल, जिसको कहते हैं ल्यूमिनेशन, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी ब्रह्मांड संहिता जिसको कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है। तो यानी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे 7 के 7 हैं, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एक यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इसके बारे में देखेंगे आगे। तो पहले आज हम लोग इतना पढ़ लेते हैं, इसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने दो, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तक रहने देना ही।